हेलो स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज़ रिलेशनशिप बिटवीन सेल पोटेंशियल दैट इज़ ई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एंड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी दैट इज़ डेल्टा जी। सो लास्ट वीडियो में वी ड्राइव नर्स्ट इक्वेशन। सो नर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हमने थर्मोडायनेमिक्स का हेल्प ली थी। थर्मोडायनेमिक्स में ये इक्वेशन होती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। डेल्टा जी क्या होता है इसमें? डेल्टा जी इज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस। एंड डेल्टा जी नॉट इज इट इज़ ऑल्सो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी बट इट इज़ अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, जैसे पोटेंशियल ई सेल और ई नॉट सेल में डिफरेंस होता है। ई नॉट मीन्स पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस एंड ई मीन्स पोटेंशियल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस। एंड आर वी नो गैस कॉन्स्टेंट, टी टेम्परेचर एंड क्यू इज़ रिएक्शन कॉशेंट। नाउ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इट मीन्स हम इक्विलिब्रियम के साथ डील कर रहे हैं एंड हमें पता है कि इक्विलिब्रियम पे जो डेल्टा जी है इट बिकम्स ज़ीरो। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू कितनी हो जाती है? डेल्टा जी बिकम्स ज़ीरो एट इक्विलिब्रियम। इट मीन्स आई कैन राइट, ये इक्वेशन है हमारे पास, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। नाउ इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या हो जाता है? ज़ीरो। सो डेल्टा जी नॉट ज़ीरो नहीं करना, किसको ज़ीरो करना है? इक्विलिब्रियम पे कौन ज़ीरो होता है? डेल्टा जी। सो बाय पुटिंग इन दिस इक्वेशन वी विल गेट दिस। नाउ इट कैन बी रिटन लाइक दिस, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन क्यू। नाउ लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। अभी एक बार इसको ये दोबारा हम कर सकते हैं, ये कहाँ से आई थी चीज़? एज सच इसके भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। अब एक तो ये रिलेशनशिप हमको याद रखना है। अब ये कहाँ से ड्राइव हुआ था? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है? वर्क करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है। तो वर्क डन, वर्क डन किसके इक्वल होता है? चार्ज इनटू वोल्टेज। सो चार्ज कितना था? एन एफ। वोल्टेज को हमने ई ले लिया था, सो वर्क डन इज इक्वल टू एन एफ ई। चार्ज मतलब कोई भी रिएक्शन होगा तो उसमें कितना चार्ज ट्रांसफ़र है? एन एफ, एन फेराडे। वन फेराडे पे हमें पता है कि वन फेराडे इज़ द चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन्स। सो एन मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा उसको एन एफ बोलते हैं। लास्ट वीडियो में हमने किया हुआ है ये, और वोल्टेज को ई। ये वर्क डन है, काम किया। किसने काम किया? सेल ने काम किया। तो जब सेल काम करेगा उसकी जो एनर्जी है वो कम होगी, तो हम ये बोलते हैं कि एनर्जी कम हुई। एनर्जी कितनी कम हुई? जितना उसने काम किया। सेल कोई काम कर रहा है तो एनर्जी उसकी सिस्टम की, सेल की एनर्जी कम होगी, तो माइनस वर्क डन। वर्क डन इज़ एन एफ ई। तो ये रिलेशनशिप आ गया, तो स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं तो हम ये लिख सकते हैं डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। ये यहाँ से ड्राइव होता है, बट आपने ऐसा जिसको याद ही रखना है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास रिलेशनशिप आ जाएगा ई नॉट में और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। एक्चुअली होता क्या है कि इक्विलिब्रियम पे फ्री एनर्जी ज़ीरो है। नो इक्विलिब्रियम पे जो रिएक्शन कोशेंट होता है उसको भी हम क्या लिखते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्यों और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इतना सही फ़र्क है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम सिर्फ इक्विलिब्रियम पे के लिख सकते हैं, कोई और कंडीशंस पे उसको हम क्यों लिखते हैं? हमको ये चीज़ ऑलरेडी पता है। अब पुटिंग द वैल्यूज द इक्वेशन विल बिकम, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें, इक्वेशन क्या आएगी? माइनस एन एफ ई नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के लिख लिया। अब ये चीज़ बन गई। अब इसको आगे सिंप्लीफाई और कैसे कर सकते हैं? ये ई नॉट एक साइड रख लो,
तो ये आप इधर लेके जाओगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, आर टी एल एन के अपॉन एन एफ। नाउ अब एल एन को लॉग टू द बेस 10 में करने के लिए 2.303 आर टी लॉग के अपॉन एन एफ। ये चीज़ किसके इक्वल होती है, वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड इट, 2.303 इंटू 8.314 स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं, इट मीन्स टेम्परेचर इज़ 298 केल्विन एंड एफ वैल्यू इज़ 96500 कूलम्स होता है एंड आर यहाँ पे 8.314 वैल्यू यूज़ होगी, जूल्स पर केल्विन पर मोल इसके यूनिट्स होते हैं। तो ये सारी वैल्यूज पुट करोगे तो हमारा क्या चीज़ आई थी, ये नंबर आ जाता है 0.0591, ये एन एस सच रह गया लॉग के। सो दिस इज़ द रिलेशनशिप, इसको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं और ड्राइव करना भी बहुत इजी है। तो आप दो मिनट में बस ये बेसिक इक्वेशन आपको याद रखनी है, डेल्टा जी इज़ इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। इक्विलिब्रियम है तो डेल्टा जी ज़ीरो हो गया वैल्यू पुट की, तो अब ये क्यू को बेसिकली हमने क्या लिख लेना है, के लिख लेना है, और डेल्टा जी किसके इक्वल है, माइनस एन एफ ई नॉट, तो वो वैल्यू मैंने पुट की, डेल्टा जी की नॉट की जगह क्या पुट कर दिया, माइनस एन एफ ई नॉट आर टी एल एन क्यू को क्या लिख दिया, के, बिकॉज हम किसकी बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। तो ये हम इधर ले गए, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, अब लॉग टू द बेस ई होता है एल एन, ये लॉग टू द बेस 10 में चेंज करने के लिए 2.303 साथ में लगाना पड़ता है। अब ये सारी चीज़ें की वैल्यू यहाँ पे हमने लिख दी हैं, तो ये जब आप पुट करेंगे सारा डिवाइड मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है अपॉन एन लॉग के। सो दो रिलेशनशिप बेसिकली हमको याद रखने हैं, एक तो ये एंड अनदर इज़ डेल्टा जी नॉट इज़ माइनस एन एफ ई नॉट। सो ये दोनों चीज़ें हम याद रखेंगे, इनके डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं, डायरेक्ट इनके क्वेश्चंस आते हैं, डेरिवेशन नहीं आती, बट ये इजीली ड्राइव कर सकते हैं हम। नाउ इसके क्वेश्चंस देखते हैं हम, किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन। हमने इसमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालनी है, मीन्स के की वैल्यू निकालनी है, रिएक्शन इज़ गिवन एंड ई नॉट की वैल्यू हमें दे रखी है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के निकालना है, ई नॉट सेल गिवन है, तो कौन सा रिलेशनशिप होता है इनके लिए, वी हैव जस्ट ड्राइव्ड इट। देखो ये रहा रिलेशनशिप, ई नॉट इज इक्वल टू दिस, ये ई नॉट सेल है, तो सेल की बात हो रही है तो यहाँ पर हम ई नॉट सेल लिख देंगे, वो वैल्यू पुट हो जाएगी। सो रिलेशनशिप ई नॉट सेल इज 0.0591 अपॉन एन लॉग के, पुटिंग द वैल्यूज 0.46 0.0591 अपॉन एन। एन क्या है, इलेक्ट्रॉन चेंज, कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, कॉपर जीरो से इज मूविंग टू सी यू टू पॉजिटिव, एंड यहाँ पे प्लस वन से किधर जा रहा है, जीरो पे, बट टू है बैलेंस करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन चेंज इज टू एंड लॉग के। यहाँ से हम इजीली लॉग के की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सारा एक साइड ले जाओ, 0.46 इंटू टू अपॉन 0.0591। इसको कैलकुलेट करके हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी, दैट इज़ अबाउट 15.59, ये वैल्यू निकल के आती है। इट मीन्स ये हमारा आ गया लॉग के इज इक्वल टू 15.59। सो के विल बी एंटी लॉग ऑफ 15.59। सो इसकी एंटी लॉग निकाल के हम ये वैल्यू देख सकते हैं, सो आंसर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3.89 इंटू 10 की पावर 14। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, सॉरी इट्स वैल्यू इज इंटू 10 रेज टू पर 15। सो द आंसर इज 3.89 इंटू 10 रेज टू पर 15। नाउ हाउ टू कैलकुलेट लॉग एंड एंटी लॉग, इसकी एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी, वो आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं लॉग एंड एंटी लॉग विदाउट कैलकुलेटर, ये
यही वैल्यूज को लेके मैं आपको निकालना सिखाऊंगी कि एंटी लॉग 15.59 ये वैल्यू कैसे निकली है. सो इन दिस वे इट्स वेरी इजी टू सॉल्व द न्यूमेरिकल रिलेटिंग टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सेल पोटेंशियल एंड गिव्स फ्री एनर्जी. वन मोर क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल. यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल की वैल्यू दी हुई है. मींस हमें क्या दिया, स्टैंडर्ड वैल्यू है. स्टैंडर्ड मींस ई नॉट वैल्यू इज गिवन. ई नॉट वैल्यू इज 1.1, ई नॉट सेल इज 1.1 वोल्ट. एंड कैलकुलेट हमने क्या करना है, गिब्स एनर्जी ये हमको निकालनी है. स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन. तो रिलेशनशिप क्या लगेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तो बात ही नहीं है. डेल्टा जी नॉट इज माइनस एन एफ ई नॉट. अब सेल की बात हो रही है तो सेल लगा दिया. गिब्स, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है तो ये फॉर्मूला है. एन की वैल्यू 2 है, इलेक्ट्रॉन चेंज 2 का हो रहा है, 0 से प्लस 2 एंड प्लस 2 से 0. एफ की वैल्यू 96500 एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज 1.1. सो इसको हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास इतने जूल्स आता है. किलो जूल्स में निकालना है तो डिवाइड बाय 1000. सो दिस इज आंसर. सो नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिक्स देखेंगे टू कैलकुलेट लॉग एंड एंटी लॉग. थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग.